शास्त्री जी, इस साल रक्षाबंधन को लेकर लोगों के बीच में बड़ी सारी कंफ्यूजन बनी हुई है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा सही मुहूर्त है और किस समय जो रक्षाबंधन है वो मैंने अपने भाई को लगाया। ठीक सुमिल जी, जैसे आपने कहा है कि उसके मुताबिक मैं आपसे बात करूंगा। मैं राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री पद्मश्री जम्मू से बोल रहा हूं और अनेक वर्षों से माता वैष्णो देवी के दरबार में भी मैं अपने प्रवचन के द्वारा जनता को अपना ज्ञान जो है वो देने की प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं। और मैं जो आप मुझे कह रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन जो बनी हुई है, इससे पहले मैं एक मंगल श्लोक बोल करके अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। भास्वदरत्नाढ्य मौली स्फुर दधर रुचा रंजितश्चारु केशो भास्वान्यो दिव्य तेज करकमल युत स्वर्ण वर्ण प्रभावी विश्वाकाशावकाश ग्रहपति शिखरे भाति यश्चोदयाद्रौ सर्वानंद प्रदाता हरिहर नमिता पातु माम विश्वचक्षुः। सम्माननीय सभी श्रोतागण, जैसे कि मुझे सुमिल जी के द्वारा पूछा गया है, मैं अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और जो रक्षाबंधन के विषय में जो मैंने पंचांगों में पढ़ा है, पंचांगों को देखा है, उसके आधार पर यह एक पंचांग जो श्री मार्तंड पंचांग, दूसरा एक दिवाकर पंचांग भी है, राघव पंचांग भी है, इन पंचांगों के आधार पर मैंने अपने अपने मत जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रक्षाबंधन जो एक भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है और ये प्राचीन काल से वैदिक समय से चला रहा है। वैदिक समय में ये एक श्रावणी स्नान से प्रारंभ होता था, अधिक समय में नहीं लेता हुआ, केवल मैं केवल सामान्य तरीके से जानकारी हर विषय की दूंगा। और उसके बाद जब ये श्रावणी स्नान हो जाता था तो उस समय एक पोटली, उसमें पीली सरसों और अक्षत और दूर्वा और इस प्रकार से उसको पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांध करके और लाल धागे से उसको पोटली बना करके हाथ में बांध दी जाती थी दीर्घायु के लिए। और वो पोटली जो है वो वर्ष भर मनुष्यों के हाथों में लगी रहती थी और जिससे कि वो एक अपने आप को एक सुरक्षित मानते थे उस समय। उसके बाद फिर गुरुकुलों में बच्चों का प्रवेश होता था, ये है प्राचीन परम्परा का बात। उसके बाद दूसरी बात जो है वो जिस समय हमारी ये रक्षाबंधन शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, तो उस समय एक जो राजा बलि जो हैं वो यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। भगवान विष्णु को जब पता चला कि वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और भगवान विष्णु ये जानते थे कि भाई राजा बलि जो है ये बहुत बड़े दानी हैं और मैं इनसे जो कुछ मांगूंगा मुझे देंगे, तो उन्होंने बामन का रूप धारण किया और राजा बलि के पास चले गए। उन्होंने कहा, महाराज आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के रूप में दक्षिणा के रूप में मुझे दीजिए, मैं कुछ स्थान चाहता हूं। उन्होंने कहा, जो कुछ मांगना है आप मांग लीजिए। तो भगवान ने कहा, मुझे तीन पद जो पृथ्वी जो है वो आप दे दीजिए। उन्होंने कहा, नाप लीजिए। तो उन्होंने तीन पार में ही सारी पृथ्वी जो थी वो नाप ली और उसके बाद वहां पर रहने के लिए जगह नहीं रही। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई बलि, अब तो तुमने सारी पृथ्वी दान दे दी है, अब तुम पाताल में जाकर के राज्य करो, पाताल में जाओ। तो पाताल में जाने के लिए उन्होंने कहा, मेरी एक शर्त है, शर्त जो है वो ये है कि भगवान जो है वो मेरे साथ वहां पर चलें और जिस समय मैं रात को सूं और सुबह उठूं तो भगवान मेरे सामने हों, ये शर्त उन्होंने रखी। तो भगवान ने मान लिया, चले गए। कुछ समय के बाद जब कई दिन हो गए तो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी विष्णु भगवान को ना देख करके सामने थोड़ी सी हैरान हुई और हैरान होने पर उन्होंने नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, भी तुम इतने परेशान क्यों हो? उनका परेशान इसलिए हूं कि नारायण जो है वो विष्णु भगवान
भगवान नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने कहा विष्णु भगवान तो पाताल में चले गए हैं बलि के पास, वो उनके बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने कहा फिर जाओ उनको ले आओ। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, आप खुद जाओ और बलि को अपना भाई बनाओ और भाई बना करके उसके हाथ में राखी बांधो और राखी बांध करके उपहार के रूप में जो कुछ वो कहेगा तो आप भगवान विष्णु को मांग लेना। तो महालक्ष्मी गई और भगवान बलि को अपना वो भाई बनाया, उसको राखी बांधी और उपहार के रूप में जब बलि ने कहा कि तुम मेरे क्या उपहार लोगे, तो बलि उपहार के रूप में उन्होंने भगवान विष्णु को मांग लिया और वैकुंठ में चले गए। ये एक, उसके बाद एक दूसरी बात एक और भी आती है कि इंद्र ने, इंद्र जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो इंद्राणी ने उसको रक्षाबंधन किया। उसके साथ साथ ये एक किंवदंतियाँ आती हैं हमारे सामने और वास्तव में वो सत्य बातें हैं कि हमारा देश जिस समय परतंत्र था और परतंत्रता की बेड़ी में जब झगड़ा हुआ था तो उस समय ये जो एक कई प्रकार की दुधारी तलवारें जो थी वो चल रही थी, उस समय भी ऐसा हुआ कि जो करुणावती रानी थी और जो एक उसके राज्य के ऊपर जब आक्रमण किया गया तो उसने हुमायूं से रक्षा, हुमायूं को रक्षाबंधन भेज करके और कहा कि भाई ये तो मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। हुमायूं उस समय अफगानिस्तान में अपनी सेनाओं के साथ लड़ रहे थे तो उस समय हुमायूं ने जब राखी देखी, राखी देख करके उनके हृदय में बहन के प्रति प्यार उमड़ा और वो आए और उन्होंने लड़ना भी अपने मुसलमान भाई से ही था लेकिन वो आकर के लड़े और करुणावती की सहायता की। ये भी एक दूसरी बात जो है हमारे सामने आती है। जैसे कि आपने ये रक्षाबंधन की बात कही है तो रक्षाबंधन भाई बहनों का बहुत बड़ा पवित्र पर्व है और ऐसे भी जिस समय कोई किसी प्रकार की जो राजपूत रमणीय जब मुसीबत में पड़ती थी तो अपने रक्षा के लिए दूसरों को राखी भेजती थी, अपने सुहाग की रक्षा के लिए। और कई प्रकार देश परतंत्र था उस समय, कई प्रकार की गुलामियों से झेल करके भी जब मनुष्य परेशानियों से उबना चाहता था तो रक्षाबंधन ये राखी भेज करके वो अपने आप को सुरक्षित मानती थी। ऐसे भी आचार्यजन और जो पुरोहित जो हैं आज भी अपने जजमानों को रक्षाबंधन करते हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। ऐसे पति पत्नी भी पहले समय में अपने एक रक्षाबंधन जो था उनका हुआ जाता था लेकिन आज इस समय जो एक रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भाई बहनों का पवित्र पर्व जो है वो विशेष रूप से माना गया है और विशेष रूप से मनाया जाता है। और ये रक्षाबंधन पर्व वैदिक समय से चला रहा है लेकिन आज ये प्रत्येक जन का, प्रत्येक वर्ग का ये रक्षाबंधन पर्व है और इस समय बहनें जो हैं वो एक उस रक्षाबंधन के लिए जहाँ पर जब अपने भाई के पास जाती हैं तो भाई के पास जा करके एक गणेश जी से प्रार्थना करती हुई, गणेश जी से प्रार्थना करती हुई और रक्षाबंधन को जब अपने जो सात ऋषि सप्त चिरंजीवी और मार्कंडेय ऋषि से अपने भाई की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और कामना करती हुई उनको रक्षाबंधन मांगती हैं और उस समय कहती हैं जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेनत्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल। जो बलि की बात जो है वो उनको याद करवाती हैं जिसमें जिस रक्षा सूत्र में बलि बंध कर करके अपनी प्रतिज्ञा को उसने पूरा किया और विष्णु भगवान को वहां से उनको समर्पित किया। इसी प्रकार आप भी ये रक्षा सूत्र जो है वो जहां से विचलित ना हो वैदिक मंत्रों के माध्यम से। हम ये कहते हैं कि जहां पर वैदिक मंत्र जो है नतद रक्षा गुंसिन पिशाचा स्तरंति देवानामोजा प्रथम यद गुहे तत जो बिभर्ति दाख्यायनग्वम हिरण्यग्वम सदेवे कुकृणुते दीर्घमायु समनुखे कुकृणुते दीर्घमायु। अनेक दीर्घायु के मंत्र हैं, उन मंत्रों को बोलते हुए विद्वत जन पंडित लोग जो हैं अपने जजमानों को रक्षाबंधन करते हैं। और यदि राखी का त्यौहार जो है उस समय कोई विद्वान पास में हो तो बहनें जो है वो इन्हीं मंत्रों के माध्यम से अपने भाइयों की कलाई में रक्षाबंधन बांधते हैं। आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही, पूछी कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा हमारे भारतीयों के लिए बड़ा त्यौहार है और इसका समय क्यों क्या है, क्योंकि गत वर्ष भी इसी प्रकार का एक बात हुआ था कि भाई किस समय रक्षाबंधन किया जाए, क्या समय है।
तो हमारे यह शास्त्रों में यह है कि रक्षाबंधन जो है वो श्रावण महीने की पूर्णिमा को दिन ही रक्षाबंधन किया जाए, और श्रावण महीने की पूर्णिमा में इस बार जब पिछले साल भी भद्राएं थी, और भद्रा जो होती है वो भद्राओं में रक्षाबंधन नहीं करते। शास्त्र में लिखा है कि भद्रायान द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुणी, तथा भद्रा में जो दो बातें नहीं करनी, श्रावणी रक्षाबंधन और फाल्गुणी जो है होली जो है ये भद्रा में नहीं की जाती। अगर की जाती है तो फिर क्या होता है, कहते श्रावणी नृपति महंती ग्रामन दहति फाल्गुणी, अगर हम भद्रा में ये रक्षाबंधन करते हैं तो ये राजा के लिए अरिष्टकारक होता है, जो हमारे शासक वर्ग हैं उनके लिए कष्टकारक होता है, और यदि फाल्गुणी होली जो है उस पर करते हैं तो गांव के लिए नगर के लिए वो अच्छा नहीं होता। इसलिए इस बार सारा का सारा दिन जो है वो भद्रा से दूषित है, और रात के 9 बजे तक समझ लीजिए कि भद्राएं जो हैं वो हैं, और भद्रा में ये जो उसका रक्षाबंधन करना जो है उसका निषेध माना गया है। अब उसके बाद क्या किया, 9:02 के से लेकर के और उसके बाद तकरीबन 10:30-11 तक आप उस रक्षाबंधन को कर सकते हैं। दूसरे दिन की बात जो है वो ये है कि यदि 6 घड़ी पूर्णिमा पूर्णमासी पूर्णिमा जो है वो दूसरे दिन होती तो जो रक्षाबंधन जो था वो दूसरे दिन ही मनाना था। शास्त्रकारों ने पंचांगकारों ने सबने ये कहा है कि यदि 6 घड़ी तक जो पूर्णिमा जो है वो दूसरे दिन यदि हो तो पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन में ही उसको मनाने का विधान है, लेकिन है नहीं, उस दिन कुल 2 घड़ी और कुछ 40 पश्च कुछ पल है, और उस समय फिर ये केवल समय आता है हमारे सामने कुछ 7 बजे तक, लेकिन 7 बजे तक वो शास्त्र का जो वचन है वो शास्त्र का वचन दूसरे दिन के लिए नहीं अपितु पहले दिन के लिए 9:02 से लेकर के 10:11 तक आप रक्षाबंधन कर लें, और दूसरे दिन यदि किसी कारणवश कोई आदमी नहीं कर सका, कोई बहन अपने भाई के पास नहीं जा सकी, कोई विषम परिस्थिति में यदि कोई आगे पीछे गई है, तो उस दिन दूसरे दिन जो है वो 7 बजे से पहले 7 बजे तक ये रक्षाबंधन जो है ये कर ले। और इस प्रकार रक्षाबंधन यदि एक नियम पूर्वक होता है तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी एक विशेष बात होती है। रक्षाबंधन के लिए हम मैंने ये कहा कि सभी बहनें अपने गणेश की पूजा करके, अगर गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो स्वस्तिक लिख करके उसको गणेश तिलक चावल पुष्प उसके ऊपर छोड़ करके रक्षाबंधन की भी पूजा करके, जो जहाँ पर रक्षा सूत्र लिया हुआ है उसकी पूजा करके भाई के हाथ में वो रक्षा सूत्र जो है बांधें, और उसकी दीर्घायु के लिए, और सभी हमारी एक भारतवर्ष की एकता की प्रतीक जो सारी नदियाँ हैं, गंगा यमुना सरस्वती जितनी भी हैं, ये सारी भारतवर्ष की एकता की प्रतीक है। अगर एक किसी प्रकार की बात का जिक्र जो है वो हमारे इस जम्मू कश्मीर में होता था तो उसी बात का, उन्हीं गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमन नदी वेदिका क्षिप्रा वेत्रपति महासुर नदी ख्याता या गंडकी पूर्णा पूर्ण जली समुद्र सहिता कुरवंतु वो मंगलम, इस प्रकार नदियों के आगे ये प्रार्थना की गई है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो है ये हर प्रकार की बात को लेकर के जब आगे बढ़ता है तो जल को एक देवता मानता है, नदियों को देवता मानता है, वायु को देवता मानता है, और प्रकाश को देवता मानता है, तो उस देवता के माध्यम से हमारे सारे सब प्रकार के कार्य होते हैं। इसलिए सप्तऋषियों का है, जो सप्तऋषि हैं हमारे कश्यप अत्रि भरद्वाज विश्वामित्र गौतम यमदग्नि और वशिष्ठ, उसके बाद 7 चिरंजीवियों का अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य और परशुराम, इन 7 चिरंजीवियों का और भगवान मार्कंडेय का ध्यान कर करके और उनका उनसे प्रार्थना करके हमारी मेरे भैया की मेरे भाई की दीर्घायु हो, और राखी जो है वो कलाई उसमें उनकी कलाई में बांधें और उसका भाई का मुंह मीठा करवाएं, और भाई भी जो है वो एक बहन का मुंह मीठा करवा करके उसको जो उपहार लाया हुआ है उसको उपहार के रूप में दे। मैं इस समय आपसे एक ये विशेष निवेदन करता हूँ कि जितनी बहनें जो हैं हमारे भारतवर्ष में जब रक्षाबंधन करेंगी तो जिस किसी बहन का भाई जो है वो किसी लत में किसी ड्रग में किसी नशे में यदि वो संलिप्त है तो बहनें जो हैं वो उससे प्रार्थना करेंगी कि मैं आप जो उपहार दोगे ये तो एक अलग बात है, लेकिन इस बार मैं विशेष उपहार आपसे ये लूँगी कि भैया आपको जो एक नशा की जो आदत पड़ी हुई है इस नशे की आदत को छोड़ दो, मेरे लिए यही उपहार है। आप जो ड्रग लेते हैं, आप जो इस प्रकार की जो है,
ये मेरे लिए यही एक उपहार होगा। तो इसलिए ऐसा होगा कि जब हजारों लाखों बहनों ने, जब लाखों भाइयों को जब पढ़ा होगा, और उनमें से जो कोई भाई ऐसे किसी नशे में संलिप्त होंगे, उनसे जब आप मांगे तो बहन की मांगी हुई बात जो है वो भाई अवश्य देगा और उपहार जो है वो अवश्य देगा। और इस प्रकार से हमारा जो एक युवा वर्ग जो है, जिसने कि देश को संभालना है, जिसने कि देश को आगे ले जाना है, जिसमें देश की अनुशासन व्यवस्था को आगे ले जाना है, जिसमें देश के अनुशासन को आगे ले जाना है, जिसमें एक सब प्रकार की सच्चरित्रताएँ बतलानी हैं, वो युवा वर्ग जो है वो हमारा सशक्त है। तो मैं कहता हूँ कि हमारा भारतवर्ष सशक्त है। इस समय मैं आपसे एक विशेष निवेदन करूँगा कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये पृथ्वी जो है ये हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। अब जो चंद्रमा को हम चंदा मामा कहते हैं, तो पृथ्वी माता है तो चंद्रमा मामा हुआ, तो हमारी माता जो है पृथ्वी जो है, ये चंद्रमा को इस साल खास करके कई शताब्दियों के बाद इस प्रकार का जो ऐसा चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रमा पर और खास करके दक्षिण ध्रुवी स्थान पर जो पहली बार गया है, और दुनिया का कोई भी देश वहाँ तक आज तक नहीं पहुँच सका, इसके लिए विशेष रूप से ये हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी रूपी माता जो है, वो चंद्रमा पर जा करके उस चंद्रमा को, चंदा मामा को एक रक्षाबंधन करेगी, और रक्षाबंधन में ओतप्रोत होकर के वो एक प्रसन्न होंगे चंद्रदेव भी, और क्योंकि अब सूर्यदेव पर भी जाना इन्होंने प्रारंभ करना है, क्योंकि उसके लिए मोदी साहब जी एक बड़ी विशेष बात कह चुके हैं कि हम आदित्य लोक में जाएंगे। ये तो निश्चित बात है कि हमारे प्राचीन परंपराओं के माध्यम से ऋषियों ने ये बात पहले बतला दी है कि हम ये चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी, बृहस्पति की, शनि की, कितनी कितनी दूरी पृथ्वी से वहाँ पर है, और इनका रंग कैसा है, और किस किस प्रकार के लोग हैं। लेकिन आज कई वर्षों के, कई शताब्दियों के बाद हमें ये एक देखने में मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और उनकी सरकार की अगुवाई में ये ऐसा काम हुआ है। यदि भी मैं ये नहीं कहता, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं अपने अपने समय में, उन्होंने भी कोई अच्छे काम किए होंगे, ऐसी बात नहीं और किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो वास्तव में अपने आप में एक अचूक है और वो एक अविस्मरणीय है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को, और विशेष रूप से जिन वैज्ञानिकों के दिमाग की उपज जिस प्रकार का ये चंद्रयान जो है वो ऊपर गया है, वो वैज्ञानिक अभिनंदनीय हैं और वर्धापन के योग्य हैं, बधाई के योग्य हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और ये भारतवर्ष के सभी लोगों को बधाई देता हुआ मैं इस एक बार फिर ये कहूँगा कि इस प्रकार का जो नेतृत्व जो है वो हमारा आगे बढ़े, हम सभी लोग एक दूसरे के साथ द्वेष को छोड़ करके हम आगे बढ़ें और एक मित्रता को अपनाएं, और हमारे में यदि किसी प्रकार की कोई भेदभाव, कोई बात है तो उनको सामने बैठ करके उसको सुलझाएं और परस्पर मैत्री भाव से हम आगे बढ़ें। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी जनता को, प्रायः भारतवर्ष के सभी जनता को मैं बधाई देता हूँ, और हमारे जो जम्मू कश्मीर के भी जो राज्यपाल आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, उनके मंत्रिमंडल को भी बधाई देता हूँ, आपको जो जहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं, आपके चैनल को भी मैं बधाई देता हूँ, जिनके माध्यम से ये मेरी बातें जो हैं ये आप अलग अलग स्थानों पर पहुँचा रहे हैं और ये ज्ञान जो है वो मंडित कर रहे हैं, क्योंकि नारद भगवान से कम आप लोग भी नहीं हैं, क्योंकि नारद भगवान भी सारी सृष्टि की बात को जानते थे, आप भी इसी प्रकार की बात को जानते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मुबारक देता हुआ, भाई बहनों को मुबारक देता हुआ, इस अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और ये कामना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ, जय माता की, जय भारत, जय माता की।